चलो भैया काम करा लेते हैं, इस एक नंबर का भी काम कराना है, एक एक नंबर और लेना है और दो आठ नंबर लेने हैं। कागजों का स्कैम हो रहा है क्या? सादा पता नहीं, लेकिन अपने शहर जाके Hey guys, good morning, welcome back to the channel. कैसे हैं आप लोग सब? होप करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। निकल लिए हैं कहाँ पे? आज निकलेगा गाइस काफिला, एक लोकेशन पे मैं जाऊंगा, उसके बाद निकलेगा काफिला। आइडिया लगा सकते हो दिन को देखते हुए टाइम का कि टाइम क्या होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ टाइम है ये 6:43 और अपन निकल लिए हैं गोहाना रोड पे और गोहाना रोड से फिर चलेंगे अपन जीटी रोड की ओर। क्या प्लान्स है तो आपको धीरे धीरे व्लॉग के एंड में सब कुछ पता चलता जाएगा, शायद हो सकता है थंबनेल से भी आपको समझ आ जाए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो एक बार ही भरवा लेते हैं अपने फेवरेट पंप से तेल, क्योंकि बड़े दिन हो गए यार गोहाना रोड पर चढ़े नहीं हम। तो कोई नहीं, अपना फेवरेट पंप आ गया है छिकारा फिलिंग स्टेशन, ये देखिए यहाँ से करा लेते हैं थोड़ा सा ऑयल फिल, क्योंकि है थोड़ा बहुत तो है और कुछ करा लेते हैं फुल। करा लिया है फुल टैंक और अब निकल लेते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर, जो हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन है विच इज पानीपत वाया गोहाना, वहाँ चल लेते हैं और उसके बाद फिर आपको बताते हैं आगे का कार्यक्रम धीरे धीरे सब चीज़ों का, और आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, सब कुछ आपको बताएंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे व्लॉग चलता रहेगा आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। भाई थोड़ा सा गाड़ी को खींचना पड़ेगा क्योंकि लेट हो जाएंगे नहीं तो ऐसे फिर, क्योंकि पानीपत में अपनी कोई वेट कर रहा है। तो भाई फटाफट से थोड़ा सा खींच लेते हैं गाड़ी को। भाई ये थोक के भाव में कहाँ से आ गई तू? ये देख रहे हो भाई थोक के भाव में आ गई भाई, ये तो बीच बीच में आ जाएगा। गाइस बॉल देख रहे हो आप कितनी प्यारी लग रही है, ये देखो गाइस कितनी प्यारी लग रही है बॉल। सन है गाइस, ये बॉल नहीं है, सन है, स्पीड बहुत है इसलिए थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा फोन। गाइस पहुंच गए हैं हम पानीपत और ये अज्जू भाई की गाड़ी मुड़ रही है डिफेंडर और विक्रम भैया आ रहे हैं। तो इसका कैसा करना है आज? लेके आना आप सकते हो क्योंकि आपके पास ऑलरेडी है। अच्छा हमारे पास कुछ भी नहीं, हमारे पास तो इसका तो नंबर प्लेट लेना हमें 8 ये भी खत्म होने वाला है। नहीं 6 महीने तक वैलिड इसका, अब 6 महीने तक वैलिड। अच्छा अब वाला टेम्परेरी 17 नंबर है, छोड़ के जा रहे हैं तो टोटके वाली एक गाड़ी तो हमारे साथ होनी चाहिए ना, इसलिए देखो टोटके वाले, देखो टोटके वाले। ओह माय गॉड भैया आप कुछ कहते क्यों नहीं? लक्की मैन है, दिला के लाएगा वो तो है ही है, वो तो पता है दिलवा के तो लाएगा लाएगा। देखो वापस आने नहीं देंगे। टोटका मतलब वो नहीं है, एक लक्की। टोटके का मतलब ये नहीं होता बस काला जादू ही का मतलब हमारा एक होता ना सेल्फ, क्या बोलते हैं वकील साहब करना थोड़ा डिफाइन। सिंपल भाषा में नहीं हुआ करता था, आज वाला एग्जाम अच्छा हुआ, अगले वाले एग्जाम में भी यही कच्चा बनियान पहनूंगा। लकी भाई ये बात ध्यान रख रहा था, कुछ प्रॉब्लम तो गाली आपको नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जब साथ है तो मेरे रिश्तेदार पूरे ही होते हैं। हिसाब से एडिटिंग हो जाएगी। ये तो कलाकार है एडिटिंग में, सारे ब्लॉगर हैं। चले जी, चलो जी, चलो आओ। ओके भैया थैंक यू, ओके बाय बाय। भाई आप देख रहे हो आगे टेम्परेरी नंबर चल रही है जो भाई की डिफेंडर, तो आज इसका भी नंबर होगा और इसकी छोटी वैन का नंबर भी लेना है। तो इसकी छोटी वैन होगी ना वो, वो इसका नंबर भी लेना है और किसका दिलवा रहे हो आज? एलविश को भी एक नंबर दिलाना है, एक वो छोटा सा कागज हमारा भी है उसका भी ध्यान रख लेना भाई साहब। इसका भी कुछ इसका भी कुछ कर लेना, हमारे का भी कागज भी चेक कर लेता हूँ भाई चलते चलते। बोला नंबर तो आप आज उन्हीं नंबरों का खेल है ना जो नंबर अपने पास है। एक नंबर आठ नंबर की है बस। दोनों अपने पास हैं। दोनों अपने पास। चलो ठीक है भाई चलते हैं, सही है
साहब अभी चेक कर रहे हैं कागज। काफिला मुड़वा दिया गया है कहाँ पे, नीलकंठ के लिए। कॉफी की तलब होगी ना पिक्चर पार्टी पीछे वाले को कॉफी की होगी भाई तलब। कॉफी पी के चले भाई। हाँ जी हाँ जी भैया, आपके बाजार उसके पास लगा दे। आ गए हैं नीलकंठ करनाल और यहाँ कुछ कॉफी शॉप उठा लेते हैं और देखते हैं कि अगर कुछ खाने का होगा तो खा भी लेंगे। साहब एक बात बताओ, ये मंगलवार को कौन सब वे लेके आता है? मंगलवार को क्यों सब वे लेके आएगा आप? मंगलवार को हाँ तो मंगलवार को आपको खान चाचा ले लो। यार मंगलवार को वही तो बात है ना, खाना ही तो नहीं है। हाँ ये अपना खा पी लिया है नीलकंठ से और निकल रहे हैं फटाफट से। भैया सामने से वो तो नहीं लेना सितारा, सितारा तो नहीं लेना? अरे सितारा तो है अपने पास, वैसे अपने को जरूरत नहीं है क्योंकि हम इन गाड़ियों के शौकीन है नहीं। क्या हम अपना इंडियन मेड पे ज्यादा विश्वास करते हैं। और एक और आगे है भाई। आ गए हैं हम कहाँ पे, अपने हरियाणा की एंट्री में। इसकी एंट्री पे त्रिशूल वाली एंट्री भी है, धनुष है, धनुष वाली एंट्री है। धनुष वाली एंट्री हो गई है। यस भाई ये आ गया है धनुष। आपने राइट से चलना लेफ्ट से चलना? लेफ्ट लेफ्ट ले भाई लेफ्ट, चंडीगढ़ शिमला, शिमला वाले पे चलना ना। चलो वाह भाई, आपको बता दे कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं भाई। एक नंबर लेने, एक नंबर काम करने, आठ नंबर लेने। अब नंबर लेने जाएंगे तो भाई मेरे को तो जाना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास है नंबर। डिपार्टमेंट पूरा इनका ही है। वो कहते हैं ना मंत्रालय है, पूरा मंत्रालय अभी का है। ट्रांसपोर्ट मंत्रालय हमारे हिसाब से इनका है। जो भी नंबर दिलवाना है, जो भी काम है, प्यार है आप सबका, प्यार प्यार ही है और क्या है। और प्यार आज इन्होंने फिर, आज इन्होंने फिर मैग्नेट की पावर बढ़ा रखी है। गली रात को बढ़ा दी थी। ऐसी ठोकी की गुड़गांव से निकलते ही अपना मैं ऐसे 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 पास आते गए। मैं गुड़गांव से चला, रोहतक से चला, आगे मैग्नेटिक पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होगी जाए नहीं, जाए नहीं भाई, पकड़ लिया। चलो भैया काम करा लेते हैं। इस एक नंबर का भी काम कराना है, एक एक नंबर और लेना है और दो आठ नंबर लेने हैं। एक अज्जू भाई के डिफेंडर का, एक उसकी छोटी बहन का। चलो भाई चलते हैं। अज्जू की छोटी बहन ही, अज्जू की डिफेंडर की छोटी बहन का। उसका लेना है, सेवन डबल ओ का उसके लिए आठ, उसके लिए नया आठ नंबर लेना है। आठ नंबर लेना है, अच्छा 26 की नई सीरीज खुली है ना, तो उसका नया आठ नंबर लेना है। और डिफेंडर का ट्रांसफर है, वो ट्रांसफर भी इतना इजी नहीं है। हाँ। कैसे है वो बता दूंगा अभी आपको, वो उधर चैनल पे। स्वागत है गाड़ी के दरवाजे बाएं तरफ और दाएं तरफ दोनों तरफ खुले गए, जहाँ से आप उतरना चाहो वहाँ से उतर सकते हो। आपको वहाँ से उतरना है? इनको नहीं उतारना, इनके लिए आज गाड़ी नहीं रुकेगी। ये जाम का अच्छा स्यापा मोड़ लिया हमने, चंडीगढ़ के घुसे अपना जाम इतना हो गया। फ्लाईओवर बन जाएगा थोड़े दिन में ना, फिर दिक्कत नहीं आएगी। गलत है लेकिन बहुत थोड़ा सा इनको वो मैनेज कर देना चाहिए। फिर कैसे क्या लाएगा, पूछेगा कोई कौन? फिर जब तक पब्लिक तंग नहीं होती है ना, जब तक कोई अहमियत भी नहीं होती है, ऐसे तो होता ही नहीं। इतनी आसानी से कोई काम हो जाए हमारे देश में, फिर वो काम कैसे हो जाए। सही होता। लो भाई आखिरकार इस जाम से निकल लिए और ये आ गया है। ये चंडीगढ़ में जो रहने का मजा है ना, दोनों साइड पेड़ हो, गाड़ी चलाने में भी अलग ही फन है चंडीगढ़ में। सेंसिबल तरीके से चलाते हैं, सेंसिबल। अच्छा लोग हैं, सारे समझदार हैं, मतलब तरीके से चलाएंगे, ना कोई फालतू लॉ तोड़ना ना कुछ करना। और ये एटमॉस्फेयर इतना बढ़िया लगता है यहाँ पेड़ों के बीच में, वो मजा सही आ जाता है। किसी जमाने में दिल्ली भी ऐसा करता था, बिल्कुल
लेकिन अब वो भी ऐसे ही कमर्शियल हो गया धीरे धीरे। साउथ दिल्ली हुआ, चाणक्यपुरी वाला एरिया हुआ, हाँ कई चीजें हैं अभी भी है। कई चीजें अभी भी बची हैं, सही बात है। डेस्टिनेशन हमारा रह गया है 4 मिनट और पीछे गाड़ी आ रही है दूसरी और अब हम चल रहे हैं अपना स्पॉट पे। और ये साहब ने उठा लिया कागज अपने, अब चलेंगे आगे। यहाँ पे चल रहा है कुछ कागजों का स्कैम, ये सिंघम साहब कुछ कर रहे हैं चेक। काम करा रहे हैं, किसी और का है, कह रहे हमारा भी करा दो फटाफट। छुपना नहीं है, सबने कर दिया फाइल रेडी हमारी भी और बाकियों की भी कर दिया, कुछ पहुंच गए ऊपर। ये जय बजरंग बली, ये आरटीओ साहब ऊपर जा रहे हैं सिंघम। ये यहाँ पे अपना आराम कर रहे हैं और आराम फरमा रहे हैं पूरा, क्योंकि हमारा काम तो बाद में होना नहीं है, हमें जल्दी वाला काम है नहीं, जो लेन देन वाला काम है वो वहाँ हो रहा है। नर्वसनेस नहीं होते तीन एक मैं, मेरे को मिला गए। एक मेरा ही नंबर, दो तीन चार पत्ते मार ले लूंगा खेल लो जो ऊपर नीचे होगा कर भाई। तीन नंबर के लिए तो, अरे तीन नंबर के लिए बुला रहे हैं, तीन नंबर के लिए बुला रहे हैं भाई साहब, बुला रहे हैं लेकिन एनओसी उनको को नंबर दे दो, सब कुछ दे दो, बाकी कागज बाद में भेज देंगे। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऐसा काम कर दो, क्या नंबर अलॉट कर दो, फीस ले लो, सब कुछ ले लो, गाड़ी हम खरीद लेंगे बाद में देख लेंगे। सस्ती चीजों में, सस्ती चीजों में हाथ ही नहीं डालते। एक ही नंबर नहीं है, कोई नहीं नंबर लेके आना, स्पॉन्सर कर दो भगवान कसम जो फट गया। क्या स्पॉन्सर करना है? अभी करते हैं, अभी करते हैं अंदर बात। जो मेरे साथ बिड में मारा उसका 50,000 को तो रिस्पांसिबल है। चलो कोई नहीं, मिलेगा 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 मिलेगा। जा भाई जा, दो पैसे में गया साथ सुनना होगा भाई। 8 नंबर की ले भाई, पहुंच गया बंदा। हां एक ही जो, चलो ये सही, ये जो दूसरा गया है मुझे नहीं लगता लेगा, मन में नहीं लगता ले पाऊंगा। दो सत्तर पंखा चल गया, नौ नंबर के लिए। चलो जी हो गया, 8 नंबर एक हो गया, एक रह गया बस, एक तो लेके जाना ही जाना है। मुबारक हो, चल गोड घसाओ, चलो मजा आ गया। ये भरा जा रहा फॉर्म और कराते हैं इसका भी काम। तो भाई अपना 8 नंबर का हो गया, एक नंबर रह गया है, 8 नंबर का अज्जू का हो गया है। भाई अपना सोच है कि हमारा 8 नंबर का हो गया, ये तो काम हो गया। हाँ ये वाला एक नंबर का रह गया हमारा, 8 नंबर का हो गया, थोड़ा सा रहेगा, कोई नहीं एक और चक्कर हो गया अपना। ये काम हो गया और यहाँ से निकल लिए, अपना काम अभी पेंडिंग है वो उसको भी करेंगे, एक बार एक चक्कर और लगाएंगे आगे। हम एक बार जग्गी पहुँच गए हैं अम्बाला, जग्गी सिटी सेंटर। जागर साहब क्या खिलाए अपना? मैं ऐसा कहने लगे मेरे जग्गी पाजी ने, असी जो पाजी कह सकते ने, हाँ जो पाजी, जो पाजी ते जग्गी वीरे साडे फेमस होण लगे सी। हाँ उन्होंने ए सोचिया के साडा जो बिजनेस है एदा नाम साडे नाम नाल जोड़ दिंदे आ, ते बिजनेस के नाल नाल असी भी फेमस हो जासे। जो पाजी जो पाजी जिदा वा अप्लाई करें, लेकिन अपने शहर जाके, अपने शहर ठीक है। ट्राई करा रहे हैं अनिल जी, टिक्की टुकी खाली है और अब करते। चलो भाई बैठो, चलो भाई बैठो बैठो, सवारी अपनी फटाफट बैठो, गरम गरम सीट पे। भाई जग्गी से निकल गए हैं हम, अपना क्या करके डेढ़ भर के
ਡੇਢ ਭਰ ਲਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡੇਢ ਭਰ ਲਿਆ ਭਰਾਵਾ ਹੌਲੀ ਚੱਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲੇਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਾਣਾ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਰਫਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗਾ ਰੋਹਤਕ ਹਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ एक स्ट्रेचिंग ब्रेक डिफेंडर भी एक बार रोक ली है और एक बार ये भी रोक ली है निकल लिए हैं एक स्ट्रेचिंग ब्रेक के बाद डिफेंडर वाले भगा के चले गए उनको जल्दी थी ज्यादा उन्हें घर से फोन आ रहे थे भाई मैं तो सच को छुपा रहा है दस्त लग रहे हैं पुट गाड़ी है किसके लेफ्ट वाले के राइट वाले के डायरेक्टर के कंडक्टर के दोनों गाड़ी है सर प्रेशर किसी के भी हो सकता है प्रेशर बना हुआ भाई इसलिए जल्दी घर पहुंचना है उनको इसलिए निकल लिए बाद में एंट्री हमारी अंदर इधर घूम रहे हैं सुशांत सिटी के पास एपीआई सुशांत सिटी एक बार किसी से मिलवा दे भैया तो गाइस यहां से उठा लिए हैरियर और अब आगे चलते हैं कहां वो भी आपको बताते हैं एक बार पहले हाईवे पे चढ़ते हैं हैरियर आ गई आगे 17 नंबर अभी आगे चलते हैं हाईवे पे एक बार तो भाई एक बार अपने गाड़ी थोड़ी सी ले ली है आगे मतलब अपने को पानीपत से राइट लेना था रोहतक की तरफ जाने के लिए अब आ गए हैं हम इधर थोड़ा सा आगे दिल्ली रोड पे क्यों आगे कि कुछ ढाबा जो है वो आगे आते हैं बढ़िया वाले तो कुछ थोड़ा सा खा लेंगे और खा के फिर निकल लेंगे घर की और टाइम वैसे तो हो गया 11:21 लेकिन ये है कि थोड़ा सा कुछ खा लेंगे ना तो रास्ते में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उस रास्ते में रुकने का कुछ नहीं है खास सो भाई आ गया है केसर ढाबा और यही मोड़ दिए हमने गाड़ियां ये देख रहे हो आपके सामने आ गया है केसर ढाबा बहुत सही है ये भैया बता रहे हैं भैया के रिकमेंडेशन अपना यहीं पे कुछ खा पी के फिर आप चलते हैं आगे की ओर देखो भाई डायरेक्शन मिल रही है क्या करना है गाड़ी कैसे लगानी है शायद हो सकता है कोई बढ़िया पिक्चर पिक्चर खींचने का प्लान है अरे हैं अपने परौंठे और खाते हैं और फटाफट से निकलते हैं आगे आगे कहाँ घर की तरफ आगे भाई साहब आपका आगे अलग है हमारा आगे अलग है जिंदगी में तो आगे बढ़ेंगे आगे तो हम बढ़ ही रहे हैं रुक हम नहीं रहे हैं बढ़ रहे हैं रुक ही नहीं रहा नहीं लेकिन वो नहीं बढ़ाना आगे कि वो हमारे से पहले पहले चले खाओ आप नहीं खाओगे जाकर साहब बस मैं खा लिया आंखों आंखों में आंखों में मिर्च वाला देख लो पर तू कहेगा बिना मिर्च का दे दिया ये सर आपका लग रहा है मुझे ये बिना मिर्च का लग रहा है बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतनी बढ़िया चाय पिलाई ढाबे वालों ने इन्होंने पिलाई है बहुत अच्छी सेवा करी भाई चाय भी बढ़िया पिलाई और सेवा भी पूरी करी मतलब प्यार से मतलब बढ़िया से खाना पीना सब बढ़िया बढ़िया से करके दिया सर इन्होंने बाद में रसमलाई भी बहुत बढ़िया थी रसमलाई बढ़िया थी बहुत बढ़िया थी चलो चले ठीक है भैया ठीक है राइट भैया ओके ओके ठीक है हालांकि तू हमारे से पहले पहुंच जाएगा ना आराम आराम से चलेंगे की फोटो मत भेजना जाके बताना ना ना ऐसे नहीं सो गाइस अब अपन निकल लिए हैं सीधा रोहतक घर की ओर और भैया और निकल गए सीधा गुड़गांव वाया दिल्ली तो वो लोग उस रूट से निकल गए मैं इस रूट से जा रहा हूँ और आज का क्या कंफ्यूजन निकाला कि हम जो गए थे नंबर के लिए तो एलवेश भाई ने जो बिड करी वो लास्ट करी 17,20,000 तक जो लास्ट बिड उन्होंने करी लेकिन जो दूसरी पार्टी थी उसने 17,30,000 में अपना नंबर ले लिया और इस बार वाला HR26EY0001 चला गया दूसरी पार्टी को और जो अज्जू भाई वाला काम था अज्जू भाई वाली फाइल हो गई डिपॉजिट एक जो ट्रांसफर वाली थी जो फॉर्चुनर वाला नंबर उनका उस पर जाना डिफेंडर में उसकी ट्रांसफर वाली फाइल भी हो गई बाकी जो फुल डिटेल्स है वो आपको विक्रम भैया के चैनल पे पता चलेगी कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ वो आप वहां जाके देख सकते हो विक्रम भैया वाले चैनल पे और जो उनकी उनका जो नई एक XUV700 ली थी उन्होंने जिसको मैं डिफेंडर की छोटी बहन कह रहा हूँ तो उसके लिए जो नंबर लेना था वो भी ले लिया HR26EY0008 वो जो भाई को पड़ा 2,70,000 रुपए का उसमें जो बिड है वो उसका बेस प्राइस 1,00,000 है उसके ऊपर जो है वो बिड अमाउंट जो बिड गई है तो उन्होंने 2,70,000 रुपए का ड्राफ्ट देके अपना नंबर ले लिया तो कंक्लूजन यही था जो अपनी फाइल वाला मैटर था उसमें क्या था कि एक डॉक्यूमेंट अपना रह गया जो अपने को एक बार दोबारा फाइल में लगा के फिर उसके बाद एक बार दोबारा चंडीगढ़ जाना पड़ेगा
तो वो बोला अपना जो मैटर है वो बोला लटक गया थोड़ा सा। यही था आज का जो कंक्लूजन था, जो हमने जितना भी चंडीगढ़ में जो काम किया, बाकी जो जो मिलना मिलाना वो था वो आपने ब्लॉग में देख ही लिया। बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे भाई से मिले। दिनेश भाई एक बहुत पुराने अपने साथी थे, वो नलेश भाई के साथ आए हुए थे, तो मैंने उनको पहचान लिया। मैंने कहा यार हम तो वहाँ बैठे थे, मिले थे, तो वो भी पहचान गया, हाँ भाई हम तो वहाँ बैठे थे और आपसे तो बहुत अच्छा भाईचारा भी है, तो उनसे भी मिले। कुछ व्लॉग्स में आप देख भी लोगे, वो जैकेट में थे, अपना ब्लू से कलर की शर्ट थी या जैकेट थी उनकी, तो उनसे भी मिले। बहुत टाइम बाद अच्छा लगा, 2-3 साल बाद मिला मैं मलकी उनसे, गुड़गांव मिला था। उन्होंने भी बाद में एकदम पहचान लिया और मैंने भी बाद में पहचाना, पहले मैंने भी नहीं पहचाना उनको, तो हमने दोनों पहचान लिया लेकिन रिकॉग्नाइज कर लिया। तो मैंने कहा चलो भाई दिनेश भाई कोई दिक्कत नहीं, मिल गए अच्छी बात है। तो भाई अब चल दी है रोहतक की ओर, और सारा आज का जो भी था दिन कंक्लूड करके व्लॉग को भी करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज फटाफट से जाके यहाँ नीचे रेड बटन है सब्सक्राइब कर दो। टिल देन गाइज गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।